शुक्रवार सुबह सुबह जिला मुख्यालय नैनीताल में तल्लीताल पुलिस, अग्निशमन बल व एसडीआरएफ के जवानों को एक व्यक्ति के खतरनाक बलिया नाला में गिरने की सूचना मिलने पर अचानक सक्रिय होकर बलिया नाला में उतरना पड़ा। बाद में बचाव दलों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को खाई से सुरक्षित बरामद कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार सुबह खाई में किसी व्यक्ति के गिरने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें सुनी। इस पर उन्होंने सुबह करीब 8:18 पर पुलिस एवंग फायर स्टेशन नैनीताल को सूचना दी कि बलियार नाला के निकट हरिनगर के केडी नाम का एक व्यक्ति सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिरा है। इस पर खोज एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और करीब 250 फीट गहरी खाई से, दुर्गम खाई से काफ़ी खोजबीन कर 35 वर्षीय कैलाश राम पुत्र रतनलाल निवासी पूचड़खाना हरिनगर को रस्सियों और स्ट्रेचर के सहारे सड़क तक सुरक्षित निकाल लाए और उसे 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से बीडी पांडे जिला चिकित्सालय भिजवाया। कार्रवाई में अग्निशमन दल के राजेंद्र सिंह, जयप्रकाश आर्य, जसवीर सिंह, मोहम्मद उमर व शैलेंद्र सिंह तथा तल्लीताल थाने के प्रभारी ASI संदीप नेगी व चीता आरक्षी अमित गहलोत आदि कर्मी तथा स्थानीय समाजसेवी ममता जोशी आदि लोग शामिल रहे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।